दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले इस महामुकाबले में भारत ने टॉस जीता और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसे ही टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में लोकेश राहुल भारत की कप्तानी कर रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव को इस मैच में आराम दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, राहुल ने कहा कि इस मैदान में लक्ष्य का पीछा करना आसान रहता है, इसी वजह से उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो दोस्तों, जैसे ही गेंदबाजी करने का फैसला किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा नहीं था भारत का रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी दोस्तों हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का। जब पहला विकेट गिरा तो 4 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया टीम का पहला विकेट गिर चुका था और मिचेल मार्श 4 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो चुके थे। वार्नर और स्मिथ ने जब पारी को संभाला तो डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की पारी को ऐसे संभाला कि भारतीय तेज गेंदबाज शानदार लय में है और लगातार दोनों को परेशान कर रहे थे, लेकिन दोनों अनुभवी बल्लेबाज क्रीज पर जमे हुए थे। 8 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 31 रन पर 1 विकेट था। श्रेयस ने वार्नर को जीवन दान दिया और श्रेयस अय्यर ने मात्र 14 रनों के स्कोर पर डेविड वार्नर को ऐसा जीवन दान दिया कि डेविड वार्नर ने दोस्तों एक अर्धशतकीय पारी खेल डाली और ऑस्ट्रेलिया ने पावर प्ले में 42 रन बना लिए थे। वार्नर और स्मिथ के बीच अर्धशतकीय जब साझेदारी हुई तो दोस्तों उसके बाद 13 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 58 रन पर 1 विकेट था। फिर बात करें, वार्नर का अर्धशतक हो चुका था। डेविड वार्नर ने 49 गेंदों का सामना करते हुए दोस्तों 29वां अर्धशतक भी जड़ दिया और 17वें ओवर के बाद में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 86 रन पर 1 विकेट हो चुका था। डेविड वार्नर अर्धशतक लगाकर आउट हो चुके थे। 98 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गिरा और डेविड वार्नर 53 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो चुके थे। रविंदर जडेजा ने उन्हें शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। वार्नर ने अपनी पारी में 6 चौके और 2 छक्के लगाए। अब स्टीव स्मिथ और मार्नर लाबिशन क्रीज पर थे। ऑस्ट्रेलिया का जब स्कोर 100 रन के पार पहुंचा तब भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के 2 ही विकेट थे, लेकिन 112 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को तीसरा झटका लगा और स्टीव स्मिथ 60 गेंदों में 41 रन बनाकर आउट हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को अब 150 रनों के पार पहुंचा दिया गया। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि केएल राहुल के कमाल से भारत को मिला एक और विकेट। भारतीय टीम को चौथी सफलता रविचंद्रन अश्विन ने दिलाए। लंबे समय के बाद वनडे खेल रहे अश्विन ने मैच में अपना पहला विकेट लिया। 33वें ओवर की चौथी गेंद पर मानस लाबुशेन को केएल राहुल ने स्टंप आउट कर दिया और राहुल ने विकेट के पीछे शानदार कीपिंग की। उन्होंने लाबुशेन की थोड़ी सी गलती का फायदा उठाया और स्टंप कर दिया। लाबुशेन 49 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हो चुके थे। और ऐसे में दोस्तों बारिश ने डाला खेल में खलल और अभी तक मैच रुका हुआ है। 35.4 ओवर की समाप्ति के बाद में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो चुका है 166 रन। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में कितना स्कोर खड़ा कर पाएगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा।